ओम शांति। आज 16 जून 2020 साकार बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठा मीठा बाबा कहते मीठी बच्चे, तुम्हारा पहला सबक पाठ है मैं आत्मा हूं। ओम शांति। हाँ जी, अच्छा, हाँ ठीक। एक है ना, डाक आएगी ना ज्योति के नाम से, ज्योति ईशा इनके नाम मेरे से कहना, मैं लिख के दे दूंगा। तो कोई कोई डाक आती है, कोई लेटर आता है, जब मर्जी आए। मतलब हमारे ना कोई भी घर की डाक आती है, मतलब उनको नाम, आपको नाम पता नहीं होगा ना किसी के भी, तो उनके नाम मेरे को कहना, मैं लिख के दे दूंगा आपको, ताकि आपको याद रहे कि हाँ भैया हम। हाँ तो कोई आएगा तो कोई, आप ही बैठे होंगे, मैं बैठा होंगे तब तो कोई बात ही नहीं है। अरे बाबा, कुछ डाक ऐसी होती है जिसपे साइन कराने होते हैं। हाँ और क्या, मैं वही कह रहा हूँ। ये कुर्सियां हिलाई हैं क्या आपने? कुर्सी हिलाई है सारी, तभी ना उसे तो। लाइटें सारी गड़बड़ हो रही हैं।
ओम शांति। आज 16 जून 2020 साकार बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठा मीठा बाबा कहते मीठी बच्ची, तुम्हारा पहला पहला सबक पाठ है मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। आत्म अभिमानी होकर रहेंगे तो बाप की याद रहेगी, तभी बाप का कहना मान सकेंगे, बाप के कहने पर चलकर अपने आप को श्रेष्ठ बना सकेंगे। प्रश्न, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है, जो मनुष्यों के पास नहीं है? उत्तर, तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, ना कि इस मृत्यु लोक के लिए। बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी हो बैठो, आत्म अभिमानी हो बैठे हो, अपने को आत्मा समझ बैठो, अपने आप को आत्मा समझ कर बैठो। दरवाजा बंद। हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं, हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं। बच्चों को ये स्मृति आई है, हम देह नहीं आत्मा। बच्चों को ये स्मृति आई है कि हम ये देह नहीं आत्मा है। बच्चों को देही अभिमानी बनाने लिए ही मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे आत्म अभिमानी रह नहीं सकते, आत्म अभिमानी रह नहीं सकते। घड़ी घड़ी देहे अभिमान में आ जाते हैं, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। इसलिए बाबा पूछते हैं, आत्म अभिमानी हो रहते हो? आत्म अभिमानी हो रहते हो? आत्म अभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी, अगर देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएगी। जब देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे, जब देही अभिमानी होंगे तो परमात्मा याद आएगा। पहले पहले ये सबक याद रखना पड़े, हम आत्मा हैं, मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, ये पक्का करना है। हम आत्मा हैं, आधा कल्प तुम देह अभिमानी हो रहे हो, अभी सिर्फ संगम युग पर बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। द्वापर कलयुग में आप देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। अपने को देह समझने से बाप याद नहीं आएगा, इसलिए पहले ये सबक ये पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा बेहद बाप के बच्चे हैं। देह के बाप को याद करना कभी सिखलाया नहीं जाता, कभी नहीं कहा जाता कि अपने शरीर के पिताजी को याद करो।
बाप कहते हैं मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, आत्म अभिमानी बनो, देह अभिमानी बनने से देह के संबंध याद आएंगे। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, यही मेहनत है। ये कौन समझा रहे हैं? हम आत्माओं का बाप, जिनको सब याद करते हैं। बाबा आओ, आकर इस दुख से लिब्रेट करो। बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। इस मृत्यु लोक में अब बिल्कुल रहना नहीं है। ये हमारी पढ़ाई है ही भविष्य 21 जन्म के लिए। हम सतयुग अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं, सतयुग अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं। अमर बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तो यहाँ जब बैठते हो तो पहले पहले अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। पहली बात, विकर्म होंगे नहीं। दूसरी बात, विकर्म को सहन करने की क्षमता आप में बढ़ जाएगी, क्योंकि जो कुछ भी दुख मुझे मिल रहा है उसका जिम्मेवार मैं हूं, उसका जिम्मेवार मैं हूं। हम अभी संगम युग पर हैं। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मुझे याद करेंगे, बाबा का कहना मानेंगे तो पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मैं आया हूँ मनुष्य से देवता बनाने। सतयुग में तुम देवता थे, अभी जानते हो कैसे सीढ़ी उतरे हैं। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। दुनिया में कोई नहीं जानते, वे भक्ति मार्ग अलग और ये ज्ञान मार्ग अलग है। जिन आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं वे जाने और न जाने कोई। ये है गुप्त खजाना भविष्य के लिए। तुम पढ़ते ही हो अमर लोक के लिए, ना कि इस मृत्यु लोक के लिए। अब बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठ कर घूमो फिरो। पहला पहला सबक यही है, याद करो कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, ना कि शरीर। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ा रहे हैं ये दुख की दुनिया अब बदलनी है। सतयुग है सुख की दुनिया, बुद्धि में सारा ज्ञान है। ये है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप ज्ञान का सागर, स्पिरिचुअल फादर है, वे है देही का बाप, आत्मा का बाप। बाकी तो सभी देह के ही संबंधी हैं। अब देह के संबंध तोड़ एक से जोड़ना है। दरवाजा बंद करना था। गाते भी हैं, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। हम एक बाप को ही याद करते हैं, देह को भी याद नहीं करना है। ये पुरानी देह तो छोड़नी है। ये भी तुमको ज्ञान मिला है, ये शरीर कैसे छोड़ना है, याद करते करते शरीर छोड़ देना है। बाबा का कहना मानते मानते शरीर को छोड़ देना है। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने अंदर घोटते रहो, ज्ञान को अपने अंदर अंदर घोटते रहो। बाप बीज
और झाड़ को याद करना है, बाप को, बीज को और झाड़ को याद करना है। बाप जो है वो इस झाड़ का बीज है, बाप बीज और झाड़ को याद करना है। शास्त्रों में ये कल्प वृक्ष का वृतांत है, ये भी बच्चे जानते हैं। हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते, हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं नहीं पढ़ाते। ये पक्का कर लेना चाहिए, लेना है, पढ़ना तो है ना। सतयुग में भी देहधारी पढ़ाते हैं, सतयुग में भी पढ़ाने वाले देहधारी ही होते हैं, ये देहधारी नहीं है। हमें जो पढ़ाने वाला है वो देहधारी नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में पढ़ाने वाले देहधारी होते हैं, परंतु हमें पढ़ाने वाला देहधारी नहीं है, ये अशरीरी विदेही है। ये कहते हैं मैं पुरानी देह का आधार ले तुमको पढ़ाता हूं, कल्प कल्प मैं तुमको ऐसे पढ़ाता हूं, फिर कल्प बाद भी ऐसे पढ़ाऊंगा, हर कल्प मैं तुम्हें ऐसे ही पढ़ाता हूं और पढ़ाऊंगा, पढ़ा रहा हूं। अब मुझे याद करो, अब मेरा कहना मानो तो तुम्हारे विकार विनाश होंगे। मैं ही पतित पावन हूं, मुझे ही सर्व शक्तिमान कहते, परंतु माया भी काम नहीं है, वे भी शक्तिमान है, कहां से गिराया है। अब याद आता है ना, 84 के चक्र का भी गायन है, ये मनुष्यों की ही बात है। बहुत पूछते हैं जानवरों का क्या होगा, अरे यहाँ जानवर की बात ही नहीं है, बाप भी बच्चों से बात करते हैं, बाहर वाले तो बाप को जानते ही नहीं, तो वे क्या बातें करेंगे। कोई कहेंगे हम बाबा से मिलने चाहते हैं, अब जानते कुछ भी नहीं, बैठ कर उल्टे सुलटे प्रश्न करेंगे। बस 7 दिन का कोर्स करने के बाद भी पूरा कुछ समझते नहीं, कितना समय ज्ञान सुनते रहते फिर भी कुछ समझते कि ये हमारा बेहद का बाप है। जो पुराने भगत हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की हुई है, उनकी बुद्धि में तो ज्ञान की सब बातें बैठ जाती हैं। भक्ति कम की होगी तो बुद्धि में कम बैठेगा। तुम हो सबसे जास्ती पुराने भगत, गाया भी जाता है, भगवान भक्ति का फल देने के लिए आते हैं, परंतु किसको ये थोड़े ही पता है, किसको भक्ति का फल देते हैं। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है। सारी दुनिया है भक्ति मार्ग में, कोटों में कोई आकर ये पढ़ते हैं, समझानी तो बहुत मीठी है। 84 जन्मों का चक्र भी मनुष्य ही जानेंगे ना। तुम आगे कुछ नहीं जानते थे, शिव को भी नहीं जानते थे, शिव के मंदिर कितने ढेर हैं, शिव की पूजा करते हैं, जल डालते हैं, शिवाय नमः कहते हैं, क्यों पूजते हैं, कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी पता। लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते हैं, वो कहां गए, कुछ पता नहीं। भारतवासी ही हैं जो अपने पूज्य को बिल्कुल जानते नहीं। क्रिश्चियन जानते हैं, क्राइस्ट फलाने संबत में आया, आकर स्थापना की, शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते, पतित पावन भी शिव को ही कहते हैं, वही ऊंचते ऊंच है ना, उनकी सबसे जास्ती सेवा करते हैं, सर्व का सदगति दाता है, तुमको देखो कैसे पढ़ाते हैं,
बाप को बुलाते भी हैं कि आकर पावन बनाओ, आकर पावन बनाओ। मंदिर में कितनी पूजा करते हैं, कितनी धूमधाम, कितना खर्चा करते हैं। श्री नाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में जाकर देखो, है तो एक ही। जगन्नाथ के पास चावल का हांडा चढ़ाते हैं, श्री नाथ पर तो बहुत माल बनाते हैं। फर्क क्यों होता है? कारण चाहिए ना। श्री नाथ को भी काला और जगन्नाथ को भी काला बनाया जाता है। कारण तो कुछ भी नहीं समझते, क्यों काला बना दिया हमने इसको। जगतनाथ लक्ष्मी नारायण को ही कहते हैं या राधे कृष्ण को कहेंगे? क्वेश्चन पूछ रहे, जगतनाथ लक्ष्मी नारायण को कहेंगे या राधे कृष्ण को कहेंगे? राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का संबंध क्या है ये भी कोई नहीं जानते। अब तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, अब तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने हैं, चक्कर लगाया अभी फिर देवता बनने के लिए, अभी फिर देवता बनने के लिए हम पढ़ते हैं। ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, भगवानों वाचय। ज्ञान सागर भी भगवान को कहा जाता है। यहां तो भक्ति के सागर बहुत हैं, जो पतित पावन ज्ञान सागर बाप को याद करते हैं। तुम पतित बने फिर पावन जरूर बनना है। ये है पतित दुनिया, ये स्वर्ग नहीं है। वैकुंठ कहाँ है ये किसी को पता नहीं है। कहते हैं वैकुंठ गया तो फिर नरक का भोजन आदि तुम उनको क्यों खिलाते हो भाई? वो स्वर्ग में चला गया, वैकुंठ में चला गया, अब उसे नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? सतयुग में तो बहुत ही फल फूल आदि होते हैं, यहाँ क्या है? ये नरक है। अभी तुम जानते हो बाबा द्वारा हम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, पतित से पावन बनना है। बाप ने युक्ति तो बताई है, कल्प कल्प बाप भी युक्ति बतलाते हैं। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। तुम ही कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष पहले ये बने थे। तुम ही जानते हो कल्प कल्प ये अमर कथा बाबा से सुनते हैं। शिव बाबा ही अमरनाथ है, बाकी ऐसे नहीं कि पार्वती को बैठ कथा सुनाते हैं। वो है भक्ति। ज्ञान और भक्ति को तुमने समझा है। ब्राह्मणों का दिन और फिर ब्राह्मणों की रात बाप समझाते हैं। तुम ब्राह्मण हो ना, आदि देव भी ब्राह्मण ही था। ब्रह्मा को, आदि देव को भी क्या कहेंगे? ब्राह्मण, देवता नहीं कहेंगे। आदि देव के पास भी जाते हैं, देवियों को भी कितने नाम हैं, तुमने सर्विस की है, तुम तब तुम्हारा गायन है। भारत जो वॉइसलेस था वही फिर विशेष बन जाता है। अभी रावण राज्य है ना। संगम युग पर तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम बनते हो, तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा अविनाशी बैठती है, तब तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। स्वर्ग के मालिक बनने को बृहस्पति की दशा कहा जाता है। तुम स्वर्ग अमरपुरी में तो जरूर जाएंगे, स्वर्ग अमरपुरी में तो जरूर जाएंगे, बाकी पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर होती रहती हैं। ध्यान से पढ़ेंगे तो अवस्था ऊपर, नहीं पढ़ा तो नीचे। याद ही भूल जाती है, कितनी कमाल की बात है, बाबा की याद ही भूल जाती है। बाबा ने कहा है मुझे याद करो, अर्थात मेरा
कहना मानो। गीता में भी है भगवानोवाच, काम महाशत्रु है, पढ़ते भी हैं परंतु विकार को जीतते थोड़े ही हैं। समझते हैं, वो तो अर्जुन को कहा था, हमें तो नहीं कहा। भगवान ने कब कहा? 5000 वर्ष हुआ। अब फिर भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पानी है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, मुख्य है काम की बात, काम विकार की बात, इस पर ही पतित कहा जाता है। अभी पता पड़ा है ये चक्र फिरता ही रहता है। हम पतित बनते हैं फिर बाप आकर पावन बनाते हैं, ड्रामा अनुसार। बाबा बार बार कहते हैं पहले पहले अलव की बात याद करो, श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे। ये भी तुम समझते हो हम पहले श्रेष्ठ थे फिर भ्रष्ट बने, फिर क्या बन गए? भ्रष्ट बने। अब फिर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, दैवी गुण धारण करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको रास्ता बताते जाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे, पतित पावन तुम मुझे ही कहते हो ना, ये कोई को पता नहीं कि पतित पावन कैसे आकर पावन बनाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने कहा था मामेकम याद करो, ये योग अग्नि है जिससे पाप दग्ध होते हैं, खाद निकलने से आत्मा पवित्र बन जाती है, जब खोट निकल जाती है तो आत्मा पवित्र बन जाती है। खाद सोने में ही डालते हैं फिर फिर जेवर भी वैसा बनता है। अब सोने में खोट मिला दी तो गहना भी फिर खोट वाला ही बनेगा। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है आत्मा में कैसे खाद पड़ी है, उनको निकालना है, बाप का भी ड्रामा में पार्ट है। जो तुम बच्चों को आकर देही अभिमानी बनाते हैं, पवित्र भी बनना है। तुम जानते हो सतयुग में हम वैष्णव थे, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी हम पवित्र बन और विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। तुम डबल वैष्णव बनते हो, सच्चे सच्चे वैष्णव तुम हो, वे हैं विकारी वैष्णव, वे हैं विकारी वैष्णव धर्म के, वो विकारी वैष्णव धर्म के हैं, और तुम हो सच्चे सच्चे वैष्णव, तुम हो निर्विकारी वैष्णव धर्म के। अभी एक तो बाप को याद करते हो और नॉलेज जो बाप में है वे तुम धारण करते हो, तुम राजाओं का राजा बनते हो, वे राजाएं बनते हैं अल्पकाल, एक जन्म के लिए तुम्हारी राजाई है 21 पीढ़ी अर्थात फुल एज पास करते हो, वहां कब अकाले मृत्यु नहीं होगा। तुम काल पर जीत पाते हो, समय जब होता है तो समझते हो अब ये पुरानी खल छोड़ नई लेनी है, पुरानी खल छोड़ करके हमको नई लेनी है। तुमको साक्षात्कार होगा, खुशी के बाजे बजते रहते हैं, तमो प्रधान शरीर को छोड़ सतो प्रधान शरीर लेना, ये तो खुशी की बात, तमो प्रधान शरीर को छोड़कर सतो प्रधान शरीर लेना, ये तो खुशी की बात है। वहां 150 वर्ष आयु एवरेज होती है, औसत रहती है, यहां तो अकाले मृत्यु होती रहती है, क्योंकि भोगी हैं। जिन बच्चों का योग यथार्थ है
उनकी सर्व कर्म इंद्रियां योग बल से वश में होंगी, योग बल से वश में होंगी। योग में पूरा रहने से कर्म इंद्रियां शीतल हो जाती हैं। सत्युग में तुमको कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा नहीं देती। कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्म इंद्रियां वश में नहीं है। तुम बहुत ऊंचते ऊंच पद पाते हो। इनको कहा जाता है बृहस्पति की अविनाशी दशा। वृक्षपति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है बाप, बीज रूप है बाप, बीज है ऊपर में। उनको याद भी ऊपर में करते हैं, उनको याद भी ऊपर में करते हैं। आत्मा बाप को याद करती है। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वो आते ही एक बार हैं अमर कथा सुनाने। अमर कथा कहो, सत्य नारायण की कथा कहो, उस कथा का भी अर्थ नहीं समझते। वो है सत्य नारायण कथा का महत्व। सत्यनारायण की कथा कहीं भी नहीं है। जो ग्वाले कर रहे थे वो कथा कहाँ है, जो कलावती ने रात को कथा सुनी वो कहाँ है, जिसको ना सुनने के कारण राजा का राज पाट गया वो कथा कहाँ है, पता ही नहीं। सत्यनारायण की कथा से नरसी नारायण बनते हैं। अमर कथा से तुम बनते हो बाबा। बाबा हर एक की बात क्लियर कर समझाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है योग बल से अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को वश में करना है। एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है। सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। सच्चा वैष्णव बनना है और पवित्र बनना है। सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं ये दुख की दुनिया अब बदलनी है। ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरण होता रहे। वरदान है स्वयं के प्रति, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बनो और बाप समान अखंड दानी परोपकारी बनो। सबको देने में अखंड दानी लगातार ज्ञान दान, गुण दान, शक्तियों का दान, परोपकारी भाव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माणवान बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया। नाम मान शान सब में परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन, अखंड दानी परोपकारी बनो, तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। याद रखो कि मैं आत्मा हूं। अच्छा ओम शांति।